हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉकिंग बर्ड्स। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो एंड वी आर मॉकिंग बर्ड्स। हाय, हेलो। दिस इज़ रीगल सिविक सेंटर। ये हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉग का फर्स्ट प्लेस है जहां हम विज़िट करने आए हैं एंड इसका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम अंदर आ चुके हैं एंड ये अंदर का पूरा व्यू है और अब हम आगे देखते हैं कि और भी कौन कौन से प्लेसेस हैं अंदर। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ इसका पूरा एरिया, ये पूरा रीगल सिविक सेंटर है। तो ये हमारा रीगल सिनेमा है जहाँ पे आप मूवीज तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, बाकी आप नीचे कैफेटेरिया में आके खा पी सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज़ हैं, फैमिली रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा डोमिनोज भी है। आज हम सुबह सुबह आए हैं तो यहाँ सब क्लोज हो रखा है और किसी और दिन हम आके आपको अंदर का विजिट करवाएंगे, बट आज तो हम सुबह सुबह आए हैं, सब बंद है। देख ही सकते हैं आप, इतनी ठंडी है कि अंकल अभी तक अपनी नींद से बाहर नहीं आ पाए। इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडी हो रही है, सब बंद है, आधे लोग सो रहे हैं। गाइस, भोपाल में वैसे ही ऑलरेडी बहुत ठंड है। यहाँ पर ये बेकुंठ रेस्टोरेंट भी है, डोमिनोज भी है। डोमिनोज में आप पिज़्ज़ा पार्टी के लिए, किड्स पार्टी के लिए, पिज़्ज़ा पार्टी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा डोमिनोज है जैसा कि ये दिख रहा है, बट अभी क्लोज है क्योंकि ठंड है। हम यहाँ पे आ चुके हैं पर अभी आपके लिए वापस से आएंगे किसी और वीडियो में। आगे का डोमिनोज का हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, पिज़्ज़ा पार्टी किसी दिन उसका भी ब्लॉग लेके आएंगे। ये रीगल सिविक सेंटर बहुत अच्छी है, ऑल इन वन प्लेस है। गाइस, ये जो दिख रहा है यहाँ पर अच्छी है, शूट करने के लिए भी अच्छी लोकेशन है। जैसे कि दिखा रीगल ग्रैंड, ये एक होटल है। यहाँ अगर हम आपको रहना हो, स्टे करना हो तो आप लोग यहाँ पर आके स्टे भी कर सकते हैं। अच्छा होटल है और इसके आसपास इतनी अच्छी लोकेशन है कि आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग मार्ट्स भी बने हुए हैं, ग्रॉसरी मार्ट्स भी बने हुए हैं। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो कुबेर डेयरी भी है। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी स्वीट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको, सलून वगैरह। काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस दी गई है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पार्किंग है, पैसे नहीं। होटल वगैरह बने हुए हैं स्टे करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ सामने ही मैरिज गार्डन है और अगर कोई गेस्ट वगैरह है तो वो होटल में रुक सकते हैं। नीचे सब कुछ है, बाकी की कुटिया रेस्टोरेंट वगैरह है, फैमिली रेस्टोरेंट सब। तो गाइस, ये लोकेशन बहुत अच्छी है तो हमने सोचा क्यों ना हम एक दो रील्स ही बना लें, क्योंकि सुबह का अच्छा ठंडा मौसम था और लोकेशन भी अच्छी थी तो हमने रील्स बनाने का डिसाइड किया। बट इतनी खूबसूरत तो हमारी रील्स नहीं बनी है, पर आप लोग जरूर ट्राई करिएगा जब भी कभी यहाँ आए तो। बहुत अच्छा एरिया है, ये एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम ग्रीनरी है, पार्किंग एरिया अच्छा है, फोटोज़ रील्स सब अच्छी बनेंगी। वो अलग बात है, हमने ज़्यादा रील्स में मेहनत नहीं करी, पर आप लोग ज़रूर करिएगा। हाँ, आप लोग अपने हिसाब से अच्छी अच्छी रील्स बनाइए, फ़ोटोशूट कीजिए, बहुत सुपर लोकेशन है। ये मॉकिंग बर्ड की सेकंड मेंबर हैं जो अपने जलवे दिखाते हुए आपके सामने प्रस्तुत पेश हो रही हैं। ठंड का मौसम है, जुल्फे इनकी खुली हुई है, बिखरे बाल। ये डेमो दे रही हैं आपको कि आप भी यहाँ आके ऐसे रील्स बना सकते हैं। तो आपको पूरा ये एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया रिगर सिविक के अंदर ही आता है। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, बहुत शांत एरिया है और बहुत ही अच्छा एरिया है। ये जैसे मैंने बताया था मैरिज गार्डन, ये वही मैरिज गार्डन है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत ग्रैंड है। आप यहाँ पार्टी वगैरह की लोकेशन बुक कर सकते हैं। हमने कुछ अच्छी अच्छी जगह है, अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर करी है
और आप लोग भी यहाँ का लुफ्त उठा सकते हैं हमारे साथ और अच्छी फोटो शूट कर सकते हैं। सो गाइज, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़, फोटोज़ एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए हमारे साथ आगे वीडियोज़ में हमारे ब्लॉग में बने रहें और हमारे ब्लॉग को खूब सारे लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर आएँ। थैंक यू।